हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए अपनी बातचीत करेंगे, लेकिन आगे कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक ड्रॉप किया गया है, आप देख सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए, ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड आज भी 3.05 के ऊपर ही ओपन हुआ और वहां से 3.05 का ही हाई है और 2.95 का लो। 76,39,483 टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया जा चुका है एनएससी पे अभी तक, और बीएससी के ऊपर 3.1 मिलियन यानी 31,48,527, 2.97 के ऊपर बीएससी के ऊपर ट्रेड हो रहा है और एनएससी के ऊपर 2.95 के ऊपर। 2:21 का टाइम हो रहा है यानी 2:21 हो रहे हैं। और देखिए दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को लेकर के आपको जैसा कि मैंने बताया था, 12 अगस्त को एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक फैसला सुनाने वाली थी स्पेक्ट्रम से जुड़ा हुआ, लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा अभी तक कोई अपडेट लीक नहीं करा इन लोगों ने। लग रहा है इस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है, यानी इसको सीक्रेट रखने की बात चल रही है। लग रहा है इस चीज़ का अभी तक कोई कहीं से कोई सुराग तक नहीं पता चला कि क्या फैसला। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 12 अगस्त से पहले मैंने बताया था कि कुछ भी होगा पता ही नहीं चलने देंगे कुछ दिन तक। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में ये गेम खेली जा रही हो, चाल चली जा रही हो, और ये चाल बहुत पुरानी चाल है। ऐसा तो नहीं कि जो VIP लोग हैं उन लोगों को निकलवाने के लिए, पास करवाने के लिए एक चाल चली जा रही हो, डिले किया जा रहा हो इस प्रोसेस में। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना डिले करो, ताकि जो लोग अपने लोग हैं वो निकल जाए बाहर, बाकी जितने लोग बचेंगे फिर इसके बाद जो होना होगा हो जाएगा। इस तरीके की प्लान तो नहीं चल रही है। सो देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ये यहाँ पे आपको पता है ना कितना फेयर गेम खेला जाता है, कितना न्यूट्रल होकर के हमारे देश में हमारी सरकारें हमारे लिए काम करती हैं, ये बात आपको पता है, अच्छे से बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो दोस्तों, ये भी हो सकता है ऐसा भी हो, और या हो सकता है ये नेचुरली ऐसा हो रहा हो, क्योंकि नेचुरली ऐसा हो रहा होता तो फैसला 12 अगस्त को सुनाया जाना था, तो 12 अगस्त तक क्यों नहीं आया भाई? सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, 12 अगस्त तक आना चाहिए ना। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ इसके बारे में आइडिया है, अगर आपको लगता है कुछ पता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन देखिए, मुझे जो लगता था, मेरे जो दिल की भड़ास थी, मैंने आप लोगों तक बताने की कोशिश करी, बता दिया, और आप लोग ज़रा इसमें बताइए कि कितना सच्चाई हो सकती है। देखिए, आपको बुरा ना मानना, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं, आप बुरा इसको मत मानिएगा। देखिए, जो चीज़ मुझे लग रही थी वो चीज़ मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये भी हो सकता है, और आप लोगों में से किसी ने बहुत पहले इस तरीके का कमेंट भी किया था, तो मुझे लगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, राइट? तो दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में अगर आगे कुछ फैसला होता है, कुछ अगर कुछ सुनवाई का आउटकम आता है, तो हम लोग उसको डिस्कस तो करेंगे ही। लेकिन देखिए, 90% से ज़्यादा पब्लिक शेयर होल्डिंग आज की डेट में है इस कंपनी के अंदर। उसके बाद भी जो कुछ लोग बचे खुचे हैं, उन लोगों को निकलवाने के लिए साजिश तो नहीं चल रही है कि पब्लिक शेयर होल्डिंग को बाकी कचड़ा पकड़ा दियो? जब वैसे भी कचड़ा पूरा पकड़ा हुआ है पब्लिक ने, थोड़े बहुत चीज़ें जो अच्छे लोग हैं उनके लोग हैं, VIP लोग हैं, उनको निकल जाने दो, एग्ज़िट हो जाने दो, उसके बाद जो है फिर जो होना होगा हो जाएगा। तो इस तरीके की भी सोच हो सकती है। देखिए, आई एम नॉट श्योर कि ये सही हो, गलत भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे कुछ होगा तो हम डिस्कस करेंगे। टेक केयर, दिस इज़ ऑल।